इंदौर पुलिस ने टायर व्यापारी को गोली मारने वाली गैंग का पर्दाफाश कर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी चोरी करने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो देसी पिस्टल, हथौड़ी और मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों ने इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। थाना बालनगढ़ क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, महाराणा प्रताप चौक के पास एक रेस्टोरेंट के पीछे कुछ लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं कालिंदी गोल कॉलोनी में। इस पर थाना प्रभारी बालनगढ़ और उनकी टीम द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और पकड़ने पर चारों आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए और योजना के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा योजना करने की जो प्लानिंग थी वो स्वीकार की गई, जिसमें से मुख्य रूप से लसुड़िया थाना क्षेत्र में बीते कुछ समय पूर्व एक टायर व्यापारी जो नरेंद्र सिंह है उनको गोली मारकर बैग छीनने का जो प्रयास किया गया था, वो घटना इन्हीं आरोपियों के द्वारा करना स्वीकार की गई है।